Hello class second students, welcome to the class. How are you? So what we will do today? आज हम करेंगे हमारी poem rain जो हमने read कर ली है पहले ही उसके question answers. Okay? So let us start. First question. Where does the rain fall? Rain कहाँ fall करती है? So the answer for this is the rain falls on field and tree. ठीक है? So रेन कहाँ फॉल करती है? रेन फॉल्स ऑन फील्ड. फील्ड मतलब खेत एंड ट्री. सेकेंड क्वेश्चन, व्हाट डू पीपल यूज व्हेन इट रेन्स? तो हम क्या यूज करते हैं जब रेन होती है? सो जब रेन होती है तो वी यूज अम्ब्रेला, वी यूज रेनकोट. सो व्हाट वी विल राइट हियर? पीपल यूज अम्ब्रेला व्हेन इट रेन्स. ठीक है, सो दिस इज द आंसर नंबर टू. नेक्स्ट लेट्स टॉक. सो फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट यू डू ऑन अ रेनी डे? तो रेनी डे होता है तो हम क्या करते हैं? हम हाउस के अंदर रहते हैं. हाउस के अंदर रह के हम इंडोर गेम्स खेलते हैं, जैसे कि लूडो, स्नेक्स एंड लैडर, या टीवी देखते हैं. और व्हाट एल्स यू कैन डू? हम अंदर घर में बैठ के ही बाहर रेन देखते हैं. ठीक है, सो व्हाट वी डू ऑन अ रेनी डे? On a rainy day, we play inside. ठीक है, so this is the answer for this question. What you do on a rainy day? अगला question क्या है? Next question is, how do you keep yourself dry in the rains? तो जब rain होती है तो हम कैसे अपने आप को dry रखते हैं? Same answer जो हमने यहाँ लिखा है. We use raincoat and umbrella. तो हम क्या करते हैं? हम रेनकोट एंड अम्ब्रेला यूज करते हैं टू कीप आवरसेल्फ ड्राई. नेक्स्ट, डू यू लाइक टू प्ले इन वाटर? अब रेन जब होती है तो छोटे छोटे से मडी पडल्स बन जाते हैं, या बारिश में भीगना और आपको अच्छा लगता है. डू यू लाइक टू प्ले इन रेन? सो यू कैन राइट येस आई लाइक टू प्ले इन वाटर, और येस आई लाइक टू प्ले इन रेन. सो जो भी रेन का वाटर या वाटर इकट्ठा होता है या उसके साथ हम खेलते हैं, आई लाइक टू प्ले. नेक्स्ट, से व्हाट थिंग्स लिव इन वाटर? सो व्हाट आर द थिंग्स विच लिव इन वाटर? क्या क्या होता है वाटर के अंदर? फिश, टॉर्टोइज, ऑक्टोपस, क्रोकोडाइल. सो दीज आर डिफरेंट एनिमल्स विच लिव इन वाटर. तो उनको हम क्या बोलते हैं? देयर इज अनदर वर्ड फॉर द animals who live in water, they are called aquatic animals. ठीक है, so please do these question answers in your notebook. अच्छे से करो, ध्यान से करो, write neatly and send your homework regularly. Okay, bye.